दोस्तों यहाँ पे शर्मा जी बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनके एम्प्लॉयर ने उनकी फरवरी मंथ की सैलरी से उनका टैक्स काट लिया है, क्योंकि उन्होंने टैक्स सेविंग प्रूफ सबमिट नहीं किए थे। तो दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं जो आपका टैक्स कट गया है क्योंकि आपने टैक्स सेविंग नहीं की थी। जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे उस वक्त आपने जो टैक्स सेविंग की है उन्हें क्लेम कर सकते हैं और जो आपका टैक्स एक्स्ट्रा कट गया है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी 31 मार्च 2023 तक आपके पास टाइम है ये सेविंग करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 80C के अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों 80C के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 80C को डिस्कस करते हैं जहां पे कि आप इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के द्वारा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 80C के अंतर्गत भले ही आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर एक्सपेंसेस करें, आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगी। और ये डिडक्शन भी आपको तभी मिलेगी यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों सबसे पहले हम 80C सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट डिस्कस करेंगे जिनके लिए कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस डिस्कस करेंगे जिनकी कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आपका यदि PF कटता है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है EPF में वो सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पर मिलती है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की। मान लीजिए आपका 40,000 रुपये ऑलरेडी कट चुका है EPF का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में आपको सिर्फ 1,10,000 रुपये की ही और इन्वेस्टमेंट या सेविंग करनी है। यदि आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक भी हैं EPF के, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो स्पेसिफाइड पीरियड तक ब्लॉक हो जाता है क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। तो यदि आप 5 साल से पहले यहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो वो अमाउंट टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, इसलिए आपको इस इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करना है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपीज़ तक, मिनिमम 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों यहाँ पे भी 15 साल का कम से कम ब्लॉक इन पीरियड होता है और 5 साल आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आपको रिटर्न मिलती है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर नेशनलाइज बैंक में PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये भी एक पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कि ज़्यादातर टैक्स पे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर की जाती है, जो कि इंडिविजुअल को एक गारंटेड रिटर्न देती है। आप पोस्ट ऑफिस से NSE परचेज कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपीज़ के। यहाँ पे भी दोस्तों जो वैक्सीन टेन्योर होता है वो 5 ईयर का फिक्स्ड टेन्योर होता है NSEs का। जो इंटरेस्ट अर्न होता है और जो प्रिंसिपल है आप दोनों की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत टोटल 1,50,000 रुपीज़ तक। और जब ये मैच्योर होता है NSE तो उस वक्त आपको टैक्स पे करना होता है, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका के 80% अमाउंट इक्विटी ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसमें होता है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है इसलिए आपकी जो रिटर्न है वो गारंटी नहीं रहती है। इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, उससे पहले आप रिडीम नहीं कर सकते और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 500 रुपीज़ की करनी होती है। दोस्तों टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्पेशल फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑफर किए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल एक गारंटेड अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर सके। यहाँ पे FDRs के केस में जो लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग FDR में आपको 100 रुपीज़ की करनी होती है। दोस्तों टैक्स सेविंग FDR में नॉर्मल FDR से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स सेविंग FDR पे आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो टैक्सेबल होती है आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप अपनी ITR में से ऑफर करते हैं। तो टैक्स सेविंग FDR एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसकी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। जो ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख की, उसके अंदर आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं भले ही आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, इंडोमेंट पॉलिसी या फिर यूली पॉलिसीज।
दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ना सिर्फ अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बल्कि स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं उसके प्रीमियम की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों जो पेरेंट्स अपनी लड़की का फ्यूचर सेव करना चाहते हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना टैक्स भी बचा सकते हैं, गर्ल चाइल्ड का फ्यूचर भी बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसमें अच्छी रिटर्न भी होती है। तो ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है इससे पहले कि बच्ची 10 साल की हो। दोस्तों आप ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खोल सकते हैं और मिनिमम 250 रुपीज़ के डिपॉजिट के साथ आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर। इसका जो टेन्योर होता है वो 21 साल का होता है और जैसे गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाती है तो ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है, लेकिन आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ही गर्ल चाइल्ड 18 ईयर से अबव होती है तो आप उसकी एजुकेशन और मैरिज के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा रहता है और गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है और हर क्वार्टर में रिवाइज किया जाता है, जैसे कि आज की डेट में 7.6% है। दोस्तों जो इंटरेस्ट अर्न होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे वो भी टैक्स फ्री होता है। इस प्रकार एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने गर्ल चाइल्ड का फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। दोस्तों यदि टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम होती है। इसके अलावा जिन इंडिविजुअल की एज 55 ईयर्स एंड अबव है और वो रिटायर हुए हैं सुपर एनुएशन पे या फिर वॉलंटरी या स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत, वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आज की डेट में 15 लाख रुपया है और जो टेन्योर है स्कीम का 5 साल का है, जो कि एडिशनल 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे भी हर क्वार्टर में गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट रेट फिक्स किए जाते हैं, जो कि आज की डेट में 7.4% है। जो आप इसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो टैक्सेबल होता है और यदि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 50,000 से ज़्यादा है तो आपका TDS भी कटता है। दोस्तों अगला ऑप्शन आपके पास है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोनों का ही आपके पास बेनिफिट रहता है। दोस्तों यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आप यूलिप का प्रीमियम पे करते हैं वो आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत, लेकिन यूलिप की जो रिटर्न होती है वो गारंटी नहीं होती है और मार्केट रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो आपको ध्यान से चूज़ करना है। यदि पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को सरेंडर करेगा 5 साल के लॉक इन पीरियड से पहले तो जो सरेंडर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स जो स्लैब रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों इस प्रकार एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है और इसमें के अलावा इसमें चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, तो आपको ध्यान से इसे चूज़ करना है। दोस्तों यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे करते हैं उसकी ही आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंतर्गत। यदि आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। इसके अलावा जो आप चार्जेस पे करते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस एक्स्ट्रा, उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती है। दोस्तों आ जाते हैं खर्चों के ऊपर जिनकी कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। दोस्तों जिन व्यक्तियों के बच्चे होते हैं वो 2 बच्चों तक ट्यूशन फीस की एक्सपेंस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ ट्यूशन फीस की आपको डिडक्शन मिलेगी, यदि आपने कोई और पेमेंट की है जैसे कि डेवलपमेंट फीस या फिर डोनेशन दिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। दोस्तों डिडक्शन आपको तभी मिलेगी यदि आप ये पेमेंट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि विद इन इंडिया हो। यदि आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में भी डिडक्शन नहीं मिलती। दोस्तों यदि आपने कोई घर खरीदा है और स्टैम्प ड्यूटी पे की है, रजिस्ट्रेशन फीस पे की है या अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपने होम लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल होता है उसकी डिडक्शन आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपये तक ही मिलती है। दोस्तों आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है यानी कि 1,50,000 की तो 80C के अंतर्गत ऑलरेडी मिल जाती है। इसके अलावा 50,000 रुपीज़ की आप और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। NPS एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है।
दोस्तों सेक्शन 80C के अलावा जो और आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, जो कि एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं जो आपने प्रीमियम पे किया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, सेल्फ, स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए उसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 की मिलती है सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, लेकिन यदि आप पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस करा लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो उस केस में 25,000 रुपये की और एडिशनल डिडक्शन आपको मिलती है। सीनियर सिटीजन के केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की मिलती है। दोस्तों यदि आप डोनेशंस करते हैं तो इसकी भी डिडक्शन आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये डोनेशन आपको स्पेसिफाइड रजिस्टर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ही करनी होती है तभी आपको डिडक्शन मिलती है। दोस्तों यदि आप प्राइम मिनिस्टर लीव फंड या नेशनल डिफेंस फंड एक्स्ट्रा में डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डोनेशन अमाउंट की जो डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन यदि आप किसी और इंस्टीट्यूशन में डोनेशन करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम 50% तक ही आपको डिडक्शन मिलती है अपने डोनेशन की। इसके अलावा आप 2,000 रुपये से ऊपर का यदि कैश में डोनेशन करते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो आपको डोनेशन करने से पहले ध्यान से स्कीम को पढ़ना है कि आपको इनकम टैक्स में कितनी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आप मेडिकल एक्सपेंस इनकर करते हैं स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको स्पेशल डिडक्शन 80DDB में मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।